नमस्कार दोस्तों, कड़कती हुई बिजली कैसे बनाई जाए ये आज हम देखेंगे गिम्प में। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास जो भी चित्र है जिसमें हम बिजली का निर्माण करना चाहते हैं उसका आकार कितना बड़ा है। उसकी लंबाई चौड़ाई हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, तो हम चाहेंगे इससे थोड़ा बड़ा आकार का हम एक नया चित्र लेंगे। तो हम इसका आकार 2000 चौड़ाई और 2000 ऊंचाई कर लेते हैं। अब हमें यहाँ करना क्या है कि हमें आयत चयनक लेना है और आयत चयनक से हमें यहाँ कुछ आयताकार आकृतियां बनानी है। और आयताकार आकृति को हमें अग्रभूमि रंग भरण से भर देना है, अर्थात हमें इसे काले रंग से भर देना है। इसी तरह से हम थोड़ा बड़ा ले सकते हैं और इसे भी वही करेंगे। इसका शॉर्टकट आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से एक और से थोड़ा पतला ले लेते हैं, थोड़ा पतला एक और ले लेते हैं। इसे मैं थोड़ा मोटा लूंगा और इस स्थान को हम खाली छोड़ देंगे। हम चयनक को हटा देते हैं, चयन नन। अब हमें निष्पादक पर जाकर धुंधला गाजियन ब्लर 150 150 हॉरिजेंटल वर्टिकल पर करना होगा। अब निष्पादक पर पुनः जाएंगे और इस बार विकृति पोलर कोऑर्डिनेट सर्कल डेप्थ इन परसेंटेज को 0 कर देंगे। अब पुनः निष्पादक पर जाकर प्रस्तुति पर जाएंगे बादल और इस बार कहेंगे डिफरेंस क्लाउड। यहां डिटेल पर जाकर इसका मान 8 करना होगा। इसी तरह से एक्स का आकार भी 8 और वाई का आकार भी 8 और इसे ठीक कहेंगे। अब इसे हमें रंग पर जाकर कहना होगा पलटें और रंग पर जाकर इसे कहना होगा लेवल और इसे हम यहाँ लगभग लगभग 125 26 कर देते हैं और इसे 35 36 के आसपास ठीक इसे हम ठीक कह देंगे। अब आप इस चित्र में ध्यान से देखें कि इसके पीछे पृष्ठभाग थोड़ा नीला रंग का है, तो हम इसे भी रंग पर जाकर इसे कहेंगे कलराइज। इसे हम इसका सैचुरेशन कम कर देंगे, इसकी तीव्रता को कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा नीला दिखने लगे और इसे हम कहेंगे ठीक। अब इसकी नकल बना लेते हैं, संपादन पर जाकर नकल और इस चित्र पर वापस आकर इसे संपादन पर जाकर इसे कहेंगे पेस्ट एज न्यू लेयर। क्योंकि ये पीछे का दृश्य दिख नहीं रहा इसीलिए से हम रूप को सामान्य से हम इसे कह देंगे स्क्रीन। और अब मूव टूल को लेकर हम इस चित्र को यहां ले जाएंगे और अब इसे करना होगा घूर्णन। इसे हम घूर्णित कर देंगे कुछ इस प्रकार से ताकि ये चित्र अपने सही स्थान पर पहुंच जाए। और थोड़ा सा और देखते हैं, इसे हम इरेजर टूल लेकर आकार थोड़ा बढ़ा लेंगे। जहां जहां इनके अवशेष हैं उनको हम हटा देंगे।
इस तरह से बड़े आसानी से कड़कती हुई बिजली बनाई जा सकती है। धन्यवाद।